अबे अब देखते हैं मम्मा का क्या रिएक्शन होता है। भेड़िया जैसे है काटा। अरे भेड़िया नहीं है, अबे मम्मा समझिए भेड़िया नहीं आ रही सामने। ओए शादी लबान लटका के आ रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे मम्मा भेड़िया नहीं है ये। ओए हुई ये तो बिल्कुल। अरे अरे एक और भाई फहद लेके जाओ यहाँ से। अरे भेड़िया जैसा लग रहा है ना। फहद आ रहा है यहीं पे। फहद बचाओ मुझे। दो भेड़िए। इनका नाम क्या रखें? इनको आप घर में रखेंगे? बेटा इसको घर में नहीं रखते, ये पालतू जानवर नहीं होते। क्यों नहीं रख सकते? बेटा इनको रखने से फरिश्ते नहीं आते। क्यों अपने मौत के फरिश्तों को दावा दे रहे हो? ऐसे नहीं करते। अबे मम्मा देखें तो सही कितने प्योर हैं। नाम है इनको अभी मम्मा क्या। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यार आज मैं एक ऐसी चीज लेकर आने वाला हूँ, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि आज फहद भाई जो कांड करने वाले ना, हम लोग वो चीज लेकर आने वाले हैं। मतलब वो इस टाइप की होती है थोड़ी सी ना, ऐसी नहीं सोतू राम जैसी, जब देखो सोता ही रहता है। ये मानो का बड़ा वाला बच्चा है। ये देखो जमाइयां ले रहा है बड़ी बड़ी। अबे सोता ही रहेगा क्या, कुछ काम धंधा कर ले यार। इस बेचारे का ना ये वाला जो हाथ है ना, ये बाइक के नीचे आ गया था जब ये टूट गया था, और ये बहुत खतरनाक है, मारता भी है भाई साहब। ये मानो का बड़ा वाला बच्चा है। और ये चेक करो, ये है मानो का दूसरा वाला बच्चा। जब मम्मा नमाज पढ़ी होती है, जब ये मम्मा के पास आके बैठ जाता है, और ये कितना खूबसूरत है ना माशाल्लाह से। अरे भाई साहब मम्मा क्या कर रही है, ऐसे बच्चों की तरह क्यों पकड़ रही है इसको? हमारा बहुत प्यारा सा बच्चा गुड्डा टाइगर है। ये गुड्डा टाइगर तो है मगर ये बहुत शैतान है, बहुत तेज है। जो है ना वो शेर की खाला होती है। बच्चू आज मैं तेरे लिए ना तेरा बड़ा भाई लेकर आने वाला हूँ, जिसको तू देख के थोड़ा सा शायद डर जाएगा। ये चेक करो, ये दोनों भाई है मगर इतना लड़ते हैं। ये देखो गुस्सा आ रहा है इसको, इसको भी गुस्सा आता है। ओ भाई साहब। अबे लड़ते हैं भाई साहब, ये दोनों भाई हैं आपस में मगर ये दोनों लड़ते हैं। भागा मम्मा के पास भागा। फाइनली भाई आपका भाई इंप्रेस मार्केट आ चुका है, और बहुत ही दिनों बाद इंप्रेस मार्केट आया। ये चेक करो यहाँ पे बहुत सारे पिंजरे और डॉगी, इतने अच्छे अच्छे वाले। ओ भाई साहब इसके बाल देखो, ऐसा लग रहा है तो बिल्ली है। साहब तोता हाथ पे बिठा के रखा है मगर उड़ क्यों नहीं रहा, ये क्या सीन है? ये मेरे हाथ पे बैठ जाएगा? बैठा के दिखाना। ओ भाई साहब काट रहा है भाई साहब, ये तोता चेक करो। ओ भाई साहब उड़ गया। अबे भाई साहब भाग रही है तो तुम तो कह रहे थे फालतू है। ये कितने का दे रहे हो? 8,000 रुपए का। अबे भाई साहब यहाँ पे तो हर चीज मौजूद है। तुम लोग तो फहद भाई के जानवरों वाला कंटेंट पसंद करते हो ना, और यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट भाई भी मौजूद हैं। काफी दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी। ओ भाई साहब तुझे क्या हो गया? अबे क्या हो गया, उठ जा भाई। अबे उठ जा सोतू राम। यार सारी बिल्लियां सोतू राम ही रहती हैं, जब देखो सोती रहती हैं। मगर है कितनी प्यारी ना माशाल्लाह से, फुल सफेद कलर की। क्या सोच रही हो हैं, तुम्हारी भी मेरी तरह शादी नहीं हो रही? अबे तुम अभी छोटी हो, जब तुम बड़ी होगी ना, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ठीक है। तो अब ये चेक करो, लाल सिरी और गुदवार, ये जो है ना फुल अटैक वटैक कर देता है बंदे के ऊपर, और खतरनाक है। ओ भाई साहब ये काट लेता है भाई, शिकारी है ये। साहब ये चेक करो, कितना प्यारा परिंदा यार, सुभान अल्लाह यार, क्या खूबसूरती है, अल्लाह ताला ने क्या चीज बनाई है यार माशाल्लाह। और ये पता है कितने का है? ये तकरीबन 4,000 रुपए का परिंदा है। ऐसे शिकारी की तरह यूं 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 देख रहा है। ओ भाई साहब मेरे ऊपर नहीं मार दियो यार, तू चला जा यहाँ से, तू चला जा यहाँ से वरना मारूंगी। इन लोगों ने मुझे अपनी बीवी से दूर कर दिया है, उसको लेकर आ। अबे यार बिल्ले भाई मैं अब क्या करूं यार, तुम्हारी बीवी मैं नहीं ला सकता। अंकल इसकी बीवी ला के दें यार, इसको बोल रहा है मेरे को। और इन बेचारे कछुओं को भी ऐसी रखा हुआ है यार, और मगर हल्की बहुत है यार, कुछ खिला पिला इनको यार। ये देखो ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल हल्का फुल्का सा पानी है यार। वैसे जो बात है यार, बहुत प्यारी है। इन चिड़ियों को ना ऐसे देखकर दिल चाह रहा है इन सबको खरीद लूं और सबको आजाद कर दूं। बस डन हो गया यार, फहद भाई इन सारी चिड़ियों को खरीदेगा और सारी चिड़ियों को आजाद करेगा। यार बड़े दिन हो गए एक्सपर्ट भाई से मुलाकात नहीं हुई। एक्सपर्ट भाई की दुकान कहाँ शार्ट हो गई पता ही नहीं लग रहा। एक्सपर्ट भाई किधर शार्ट हो गए, मार्केट में नजर ही नहीं आ रहे, मुझे लग रहा है एक्सपर्ट भाई ने काम छोड़। अरे भाई साहब एक्सपर्ट भाई माशाल्लाह, इतना गोरा कैसे हो गया तुम? चल रहा यार एक्सपर्ट भाई तो फुल खूबसूरत होगा यार, इतने से दिनों में। बड़े दिनों होगा यार आपसे मुलाकात नहीं हुआ। आज मैं सोच रहा हूँ आज मुझे कोई ऐसी चीज दिलाएं जो महंगी भी हो और बड़े मजे की भी हो। आज इंशाल्लाह सरप्राइज होगा सबके लिए, इंशाल्लाह ऐसी चीज मेरे पास पड़ी हुई है। बस डन हो गया एक्सपर्ट भाई, अब मुझे क्या दिखाने वाले हैं आप, क्या दिलाने वाले? चले पे यार फहद भाई, अब आते क्यों नहीं हो मार्केट? यार बस क्या बताऊं यार, दिल टूट गया यार। शादी तो नहीं हो गई आपकी? शादी? अबे यार मेरी अम्मा शादी नहीं करा रही। मैं आपको वो चीज देने वाला हूँ जो पूरे कराची में हाँ बहुत कम लोगों के पास होती है, ऐसी अच्छा। चीजें जो मेरे पास, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। कोई खतरनाक चीज तो नहीं है? खतरनाक नहीं है, बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत प्यारी चीज है। अरे जबरदस्त हो गया यार। एक्सपर्ट भाई इतना सस्पेंस मत दो यार, थंबनेल और टाइटल में तो इन लोगों ने देख लिया होगा ना, अब बता तो दो क्या चीज है वो। अच्छा मैं नाम बता देता हूँ, मेल का जो है वो नाम है जैक, सही है, और फीमेल का नाम है जोइला। एक्सपर्ट भाई ने बोल दिया है कि कोई ऐसी चीज देने वाले हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है और बहुत ज्यादा आला और नस्ली किस्म की है। सब फाइनली एक्सपर्ट भाई हमारी वो चीज लेकर आ गए हैं जो एक्सपर्ट भाई हमें गिफ्ट में देने वाले हैं।
मतलब थोड़े बहुत पैसे तो लगेंगे, जाहिर सी बात है। दिखाऊं तुम लोगों को वो चीज? एक्सपर्ट भाई दिखा दूं? हाँ दिखाओ दिखाओ। ये चेक करो भाई साहब। अबे भाई साहब चेक करो यार, कितने प्यारे और कितने खूबसूरत हैं। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अबे ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और इसके बाल देखो, डर लग रहा है भाई इनसे तो। इन दोनों का नाम क्या है वैसे? ओ भाई साहब, अबे एक्सपर्ट भाई कहाँ लेके जा रहे हो? एक्सपर्ट भाई वैसे हैं कितने के ये? यार ज्यादा तो नहीं, 3 लाख रुपए कीमत है इनकी। 3 लाख रुपए? 3 लाख रुपए एक डॉगी की? 3 लाख रुपए? हाँ जी। मतलब 6 लाख रुपए का? ओए होए, आंखें देखो यार कितनी प्यारी हैं। अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें बनाई हैं यार, ये तो फुल भेड़िया टाइप लग रहा है। ये भेड़िए की क्रॉस नस्ल में से अभी ये निकली है, साइबेरियन हस्की कहलाते हैं। अरे थोड़ा भरम भरम आ रहा है, मतलब वो जो डिफेंस के बर्गर बच्चे होते हैं ना, ऐसे डॉगी चला रहे होते हैं। ये वाला मेल है और ये फीमेल है। अच्छा, आपको कैसे पता चला? मुझे तो अंदाजे से, चेहरे से पता लग रहा है ना। एक्सपर्ट भाई है ना आप तो। आप माशाल्लाह से चेक करो, ये हस्की है और ये कितना बाप है। ओ भाई साहब ये तो मुझे टहला रहा है यार, मतलब बहुत नस्ली चीज है उस्ताद ये तो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये शोहर है और ये उसकी बीवी है। मतलब यार अल्लाह ताला ने सबको जोड़ियों में बनाया, मेरी जोड़ी कब आएगी यार। भाई अभी हम अपनी शपाटर के अंदर इनको डालेंगे। तुम लोगों को तो पता है ना फाद भाई की गाड़ी में सब कुछ आ जाता है। चलो भाई अब फाइनली इसको गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं। अभी तो खुद ही बैठ गए भाई जान ट्रेन है। अरे भाई साहब बर्गर बच्चों के घर से। भाई साहब चेक करो, हमारी शपाटर के पीछे वाले हिस्से में दोनों आ गए डॉगी। अब इन दोनों डॉगी को एक्सपर्ट भाई जल्दी से बांध दो और अब बंद कर दो जल्दी से। अरे भाई साहब बस खैर खैरियत से घर पहुंच जाएं। पठान भाई बच्चे बड़ी पंचायत मारते हैं, बच्चों को अगर हाथ लगाया बच्चों को ना काट ले यार। बस बच्चों को थोड़ा दूर करना, जाहिर है इनको गुस्सा नहीं आ जाए, बस वैसे दूर से देखते रहेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। अबे भाई साहब ये क्या सीन है? एक्सपर्ट भाई इसको यहाँ से हटाओ भाई, ये काट ही ना ले मेरे को। बहुत क्यूट है यार, सुभान अल्लाह बहुत प्यारे हैं दोनों। वो जो उस तरफ वाली है वो भी बहुत प्यारी है, और ये जो इसका शोहर है ये भी बहुत खूबसूरत है। दोनों खूबसूरत है माशाल्लाह, बोल दो एक दफा। अबे कहीं बाहर ही छलांग ना लगा लेंगे। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर पर, और अब फाइनली इन डॉगियों को नीचे उतारेंगे। ओए होए, आ जाओ उस्ताद आ जाओ। ओ भाई साहब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाई साहब अभी दोनों को घर पे तो लेकर आ चुके हैं, अम्मा का रिएक्शन देखते हैं। हाँ कि अम्मा का क्या रिएक्शन होता है वो देखकर क्या बोलेंगी। अब जल्दी से इनको घर पर लेकर चलते हैं। सब चेक करो प्रोटोकॉल, सारा चिल्लर पार्टी जमा हो गया इसको देखने के लिए। अब देखते हैं। अबे भाई साहब ये तुम लोगों को काट लेगा, स्टार्ट हो जाओ यहाँ से। ओ भाई साहब अबे काट लेगा भाई साहब। अपने हस्की जो है ना उनका दहशत अलग ही है। अबे हाथ मत लगाओ, काट लेंगे तुम लोगों को। भाई साहब बंदा गिर गया, कुछ भी नहीं करेगा, नहीं काटेगा भाई, तू ये तो डर ही गया। चलो भाई हस्कियों को ऊपर लेके जा रहे हैं। एक्सपर्ट भाई तमाशा ना कर दें। चलो चलो प्यारे प्यारे हस्कियों। भाई साहब अम्मा मुझे घर से ना निकाल दें, इनको तो मैं लेके जा रहा हूँ घर पे। भाई साहब माशाल्लाह से हमारे दोनों हस्की जो है वो छत पर आ चुके हैं। एक्सपर्ट भाई यहाँ पे सुकून से रहेंगे ना? बस सही हो गया भाई। ये देखो अभी पानी इनको पिलाते हैं। ओ भाई साहब ये तो फुल प्यासे थे यार, कचम 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 पी रहे हैं। चलो भाई हमारे दोनों हस्की इधर सेट हो चुके हैं और हमने इनको खुला छोड़ दिया। अब ये पूरी छत पर याशी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। एक दफा देख के इनको माशाल्लाह जरूर बोल दो यार, बहुत प्यारे हैं यार माशाल्लाह से, जो बात है। और पानी पीते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं ये देखो। अब ओ भाई साहब ये तो पागल हो गए। अरे भाई साहब ये देखो फुल खेल रहे हैं आपस में दोनों, मुझे लग रहा है इनको मजा आ रहा है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये दोनों मियाँ बीवी हैं, देखो कैसे लड़ रहे हैं आपस में। अबे भाई साहब मियाँ बीवी का पड्डा हो गया। एक्सपर्ट भाई बचाओ ना, एक्सपर्ट भाई शैतान की तरह खड़े होकर तमाशा देख रहे हो यार। मियाँ बीवी के पड्डे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। चलो भाई अब मम्मा का रिएक्शन लेते हैं। मम्मा आप तैयार हैं देखने के लिए वो चीज? लेके चलूं आपको? आए जल्दी आए जल्दी, यहाँ हाथ पकड़े। अभी मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा ना, आप देख के शॉक्ड हो जाएंगी। अब देखते हैं मम्मा का क्या रिएक्शन होता है। अरे भेड़िया नहीं है, अबे मम्मा समझिए भेड़िया आ रही सामने। ओए शादी लबान लटका के आ रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे मम्मा भेड़िया नहीं है ये। ओए हुई ये तो बिल्कुल। अरे अरे एक और हाय फहद लेके जाओ यहाँ से। अरे मम्मा ये भेड़िया नहीं है, ये हस्की बोलते हैं इसको। फुल भेड़िया जैसा लग रहा है ना। फहद ये आ रहा है यहीं पे, फहद बचाओ मुझे। मम्मा डर रही है, आ रहा है, इतना आ रहा है, दो तो भेड़िए फहद देख रहे। तो मम्मा ये भेड़िया नहीं है, फिर इसको हस्की बोलते हैं, हस्की। लाहौल वाला कुवत इल्ला बिल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। ओबे मम्मा को क्या हो गया ये? लेके जाओ बेटा। अरे मम्मा नहीं काटेगा, क्या करूं मैं, इधर तो आए। ये देखो नहीं फहद, ये एकदम लिपटते दांत होते हैं इनके। नहीं फहद लेके जाओ यहां से। अरे मम्मा नहीं काटेगा, रुक तो जाए। अच्छा रुक, मैं यहां खड़ी हूं। अरे मम्मा नहीं काटेगा। नहीं मैं यहां खड़ी हूं, मैं नहीं देख सकती बेटा। फहद ये भेड़िया है बेटा, भेड़िया। अरे अभी मम्मा मेरी कैमरा पकड़ी हुई है। मम्मा ये भेड़िया नहीं है, ये बहुत प्यारे डॉग्स हैं, इनको कहते हैं हस्की। इनका नाम क्या रखें इनको? आप घर में रखेंगे? बेटा इसको घर में नहीं रखते, ये पालतू जानवर नहीं होते। क्यों नहीं रख सकते बेटा? इनको रखने से फरिश्ते नहीं आते।
यार क्यों अपने मौत के फरिश्तों को दावत दे रहे हो? ऐसे नहीं करते। मम्मा देखें तो सही कितने प्यारे हैं। नहीं बेटा इनको हराम है, हराम है इनको। अभी मम्मा क्या दांत है इनके? अरे मम्मा कुछ भी नहीं कहते ये। नहीं बेटा इनको घर में नहीं रखते। अबे यार एक तो मेरी मम्मा बिल्ली हाथ दे रही है यार इसको। बिल्ली हाथ है बस, मैंने बिल्लियों को पाला ही ना तुम लोगों की वजह से, अब इनको रखना अच्छा थोड़ी है। अब मैं क्या बोलूं यार मम्मा को, फुल भेड़िया जैसे लग रहे हैं ना। हाँ ना फुल टाइम भेड़िया जैसे। जंगलों में होते हैं बेटा ये जानवर हैं। अरे मम्मा ये भेड़िया नहीं है, आप क्या समझिए भेड़िया है। अबे भेड़िया नहीं है ये मम्मा, ये हस्की कहते हैं इसको। अच्छा, अच्छा। इसकी आईज देखे ना कितनी प्यारी है माशाल्लाह। तो है अल्लाह ने बनाई, अल्लाह की मखलूक है ना। मगर आप डर क्यों रही हैं इससे? लेकिन फिर भी बेटा मुझे डर लग रहा है, इनके दांत होते हैं। ओ भाई साहब मम्मा बेटा हराम है इनको रखना घर में। ला हौला वला कुव्वता इस्तगफुरुल्लाह बेटा। अबे यार मैं मम्मा को कैसे बोलूं यार, मम्मा कह रही है हराम है इसको घर पर रखना। हां बेटा अबे यार मम्मा रखने देना प्लीज। नहीं प्लीज घर में नहीं, बस मम्मा प्लीज हाथ है, मम्मा प्लीज रखने देना। सॉरी मम्मा प्लीज ना मुझे रखने देना। I don't give permission this animals keep in house। अबे यार प्लीज मम्मा रखने में, प्लीज बुला लूंगा। अबे यार मम्मा ऑर्डर पे ऑर्डर दे रही है, ये रखने नहीं दे रही। अच्छा ना बस सही है। ओके ओके प्लीज ना मम्मा रखने देना। आप शादी तो करा नहीं रही, अब क्या करूँ, डॉगी रखना पड़ेगा। आप फिर मेरी शादी कराएं। वक्त में होगी तुम्हारी शादी इंशाल्लाह। ऐसे नहीं करते, बुरी बात है ये, जिदे अल्लाह ताला को पसंद नहीं है और जल्दी का काम शैतान का होता है। ओके यही सुन सुन के मैं ना प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो लड़ रहे, देखा देखा काटते ही लड़ते हैं बेटा ये लोग। ये लड़ नहीं रहे, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं मम्मा। अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते, लड़ते हैं ये दांतों से काटते हैं। अरे मम्मा ये नहीं लड़ रहे, ये प्यार मोहब्बत होता है इनका, आप क्यों नहीं समझ रही। अच्छा, तो फिर इनको जानवरों के साथ ही रखो, इंसानों की जगह पे नहीं लेकर आओ प्लीज। अबे यार दिस इज माय ऑर्डर। ये देखो मम्मा को ना ये लड़ते हुए बुरे लग रहे हैं। ओए बस कर, इसको भी मम्मा के सामने ही लड़ना था, प्यार मोहब्बत अपनी मेरी मम्मा के सामने ही करनी थी। मम्मा ये लड़ नहीं रहे, ये प्यार मोहब्बत होता है इनका, खेलते हैं ऐसे। मम्मा कितनी प्यारी प्यारी हरकतें करते हैं, ये देखिए पूरा लेटा हुआ है और कुछ भी नहीं कहता। ये मम्मा बहुत शरीफ हैं। वो देखें वो अपना पानी पी रहा है और ये अपना लेटा हुआ है सुकून से। ये देखें कुछ भी नहीं करते, बहुत प्यारे और बहुत शरीफ हैं। इनको आराम से रख सकते हैं हम घर पे यार। ये देख रहे हैं कितना भोला भाला सा, कितना शरीफ सा लग रहा है। दिया तो बोल दिया, प्लीज बेटा इनको घर में नहीं रखते, ठीक है मान जाओ मेरी बात को। अल्लाह का वास्ता तुम्हें, अल्लाह का वास्ता प्लीज रखने देना, अल्लाह का वास्ता बेटा प्लीज। अच्छा ना ठीक है ना, मान जाओ बेटा। अबे यार तुम लोगों को मैं घर में ना छुपा के रख लूंगा, ठीक है। अबे यार इन दोनों को अब कैसे घर पे रखूंगा, मेरी अम्मा ने पंचायत मार दी। यार हस्कियों तुम दोनों को कैसे रखूंगा, एक तो तुम इतने प्यारे प्यारे से हो, इतने मासूम से हो। यार क्या करूं, अम्मा ने पंचायत मार दी, कैसे रखूंगा इतने प्यारे से हस्कियों को। मैं एक काम करता हूं, तुम दोनों को ना छुपा के रख देता हूं। सेट हो गया हस्की बाजी और हस्की भाई। ओए चढ़ रहा था मेरे ऊपर, तुम दोनों ना मेरा साथ ही रहोगे। तो ये आपके भाई के ना फुल प्यार वाले हो गए, मतलब देख रहे हो कितने मासूम सा फुल प्यार करवा रहा है। कितना प्यारा सा यार, इसकी आईज देखो फुल जो है ना भेड़िया जैसी है। मेरी अम्मा को ऐसा लग रहा था ये भेड़िया है, मगर भाई ये भेड़िया नहीं है, ये हस्की है।